Assalamu alaikum my dear students hope you all are well and fine and uh, doing well at your home uh, today we are going to start uh, for fifth chapter of your science book that's solids liquids and gases okay dear students so uh, we will start from the first topic that is

मैटर जो होता है इट इज़ एनी सब्सटेंस डेट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस ओके मैटर ये एक चीज़ होता है जिसको जिसका कोई मास होता है मीन्स मास मीन्स अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल है या वो कितनी जगह पकड़ता है हाउ मच स्पेस इट ऑक्युपाइज तो उसको हम मैटर बोलते हैं ठीक है सो डेर स्टूडेंट्स दिस मैटर दिस मैटर ऑकर्स इन थ्री स्टेट्स यही मैटर जो होता है जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं ना दैट इज़ मेड अप ऑफ मैटर वो सारा जो है मैटर का बना हुआ है ठीक है तो जैसे कि आप हमारी बुक है या कोई भी चीज़ घर में कोई भी चीज़ है पेंसिल है बैग है तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर की बनी है एंड दिस मैटर इज़ एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स ये जो मैटर है ये एग्जिस्ट होता है थ्री फॉर्म्स में ठीक है दैट इज़ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस ओके डियर स्टूडेंट्स तो पहले हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे सॉलिड्स जो होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना वो टाइटली पैकड होते एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ठीक है थीके? जैसे आप को एग्ज़ाम्पल वहीं पे देखे है बुक है चेयर है पेंसिल है दीज आर सॉलिड्स ओके सो दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर टाइटली क्लोज जो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें क्या होता है पार्टिकल्स के दरमियान कुछ बहुत कम स्पेस होती है ठीक है so these uh, solids have different uh, properties okay just like these solids has a definite shape and size first property is that solids have definite shape and डेफिनेट साइज़ मतलब सॉलिड्स जो होते हैं इनकी एक डेफिनेट शेप होती है जैसे चेयर हम देखते हैं साइज़ होता है डेफिनेट ठीक है और जो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है द सॉलिड्स डज नॉट फ्लो सॉलिड्स फ्लो नहीं होते हैं मतलब अगर हम इनको कहीं पे डाल दें तो ये फ्लो नहीं होते है. जैसे कि पानी चलता है आगे लेकिन सॉलिड्स फ्लो नहीं होते है. ना ही हम इनको किसी कंटेनर में डाल सकते हैं डाल सकते हैं हम चेयर को नहीं तो दीज आर द टू तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ठीक है और तो और इसमें और एक बात है दीज सॉलिड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल एट्रैक्शन मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो उनकी अट्रैक्शन है फोर्स है वो बहुत है ठीक है दैट इज मच स्ट्रोंग वो बहुत स्ट्रांग है ठीक है लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं ये ज़्यादातर हार्ड ही होते हैं मतलब जब हम इनको टच करते हैं वी फील हार्ड जैसे हम पेंसिल लेते हैं या चेयर लेते हैं या कोई और आप बुक लेंगे या कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ये हार्ड होते हैं बट सम आर सॉफ्ट कुछ ये सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं। जैसे हम कॉटन की बात करेंगे कॉटन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बट दैट इज़ ऑल्सो सॉलिड ओके सो देर स्टूडेंट्स दिस वॉज अबोट द सॉलिड नाव इज द लिक्विड इन लिक्विड्स वट देयर इज यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब जो ये लिक्विड है इट्स ऑल्सो मेरा पार्टिकल्स छोटे छोटे आ, मतलब हम सबस्टेंसेज उनको बोलते हैं या चीज़ें बोलेंगे छोटे छोटे जो होते हैं उनको हम पार्टिकल्स बोलते हैं ठीक है तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं इन लिक्विड्स दे आर दे आर ऑल्सो टाइटली पैकेड बट नॉट देट ऑफ solids. सॉलिड्स solids के जैसे ये नहीं होते हैं इनमें They are to some extent loose. वो थोड़ा लूज होते इधर उधर घूम जाते हैं लेकिन सॉलिड्स में इधर उधर वो घूमते नहीं हैं ठीक है so, dear students ये लिक्विड्स में क्या होता है लिक्विड्स में इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि लिक्विडस को कोई भी डेफिनेट शेप कोई भी डेफिनेट साइज नहीं होता है मतलब अगर हम लिक्विड को कहीं पे डाल देते हैं तो वो जितनी जगह उसको होगी वो उतनी पकड़ता है मतलब अगर हम उसको सॉरी अगर हम उसको ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप लेता है अगर हम उसको टब में डालेंगे तो उसको वो टब की शेप लेता है अगर हम उसको ऑयल ये वा, अ, इसमें बोतल में, में डालेंगे तो बोतल की शेप लेता है ठीक है तो दैट मीन्स ए लिक्विड डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज मतलब इसका कोई डेफिनेट शेप जैसे पानी जो होता है जब वो रिवर में होता है तो वो रिवर की शेप लेता है जब वो सी में पहुंचता है वो तो समंदर की शेप लेता है ठीक है तो दिस मीन्स लिक्विड्स डज नॉट हैव डेफिनेट शेप इन साइज एंड लिक्विड्स कैन फ्लो लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो हो जाते हैं क्योंकि अगर पानी पे कहीं पे गिरता है वो तो आगे चलता है है ना दैट मीन्स दे फ्लो एंड वी कैन पुट देम इंटे कंटेनर वी कैन पोअर देम इन या कंटेनर हम इनको किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं ठीक है तो दिस वॉज अबाउट द लिक्विड्स एंड इट्स यर एक्टिविटी हाउ यू कैन सी लिक्विड्स कैन फ्लो यू विल डू दिस यू सेल देन इज़ गैसेज ओके डियर स्टूडेंट्स गैसेज आर ऑल्सो दार्टिकुलर दीज इट इज़ आल्सो द मैटर बट यू कैन सी गैसेज जो होते हैं दे आर ऑल अराउंड अस वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं बट वी कैन नाट सी दीज गैसेज हम गैसेस को देखते नहीं हैं बट वी कैन वी कैन मतलब हम कैसे समझते हैं गैस है जैसे कि हम घर में गैस ओपन करते हैं तो उसकी स्मेल आती है सो वी कैन दिस आइडेंटिफाई देर इज गैस हम उससे गैस आइडेंटिफाई करते हैं जैसे एयर जो है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेज लाइक ऑक्सीजन इज प्रजेंट स्टीम कार्बन डाइऑक्साइड आर्गॉन दिज गैसेज आर प्रेजेंट इन द एटमॉसफियर ठीक है तो स्टूडेंट्स जो गैसेस हैं इनकी इनका क्या फीचर है जो इनकी कोई डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होता है क्योंकि गैस जो है अगर हम कहीं पे भी गैस ओपन करेंगे वो कहीं जितनी जगह उसको मिलेगी उतन उतना वो फैल जाएगा क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ली पैकड होते वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं ठीक है तो इसीलिए इनकी जो शेप होती है मतलब इनकी कोई शेप नहीं होती है कोई साइज़ नहीं होता है ठीक है और तो और गैसेस फ्लो हो सकते हैं एंड वी कैन फिल दैम इन एंड एंड दे कैन फिल अप ऑल द अवेलेबल स्पेस यही मैंने आपको बताया अगर हम उसको कमरे में किसी भी परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो वो पूरे कमरे को फैल जाता है जितनी उसको स्पेस मिलती है गैस को उतना वो फैल जाता है ठीक है So, uh, dear students, this was about the particles of uh, matter, or we can say um, the different forms of substances. Okay, so, Fi Amanilla, take care.